तो पिछले पार्ट में बैटल स्टार्ट हो चुका था, जहां पर हम देखते हैं कि चेन ने लियु यांग को हरा दिया था। और इसके बाद जब लियु यांग अपनी उस खास बीट का इस्तेमाल करने वाला था, तभी चेन उसे रोक लेता है। और अब ये बात सभी को पता चल जाती है, जिस चीज पर लियु यांग को डांट डल जाता है। और बाद में चेन उसे माफ करते हुए वो बीट अपने पास वो रख लेता है। वैसे हमने इस पार्ट को दो हिस्सों में बांट दिया है, लेकिन चिंता मत कीजिए, बहुत जल्द या फिर शाम को ही आपको अगला पार्ट मिल जाएगा। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा। अब इस पार्ट की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि चेन और जुआन कहीं पर जा रही थी, और यहाँ पर जुआन कह रही थी कि इतनी सुबह सुबह तुम मुझे इस जगह पर क्यों लाए हो। असल में ये वो जगह है जहाँ पर कई सारे स्क्रोल्स और फॉर्मेशन टेक्निक्स की चीजें रखी होती हैं, जिन्हें यहाँ के कल्टीवेटर आकर खरीद सकते हैं। अब यहाँ पर चेन उसे बताता है कि 2 महीने पहले मैंने एक फॉर्मेशन के बारे में पता लगाया था, वो फॉर्मेशन मुझे बहुत पसंद आया और मैं चाहता हूँ कि मैं उसे कल्टीवेट करूँ, लेकिन मास्टर मो ने कहा कि उसे सिर्फ सीनियर लोग ही बाय कर सकते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि तुम उसे बाय करो और मुझे दे दो। अब इस पर जुआन कहती है कि अच्छा, तो ऐसी बात है। और इसके बाद अब वो उस जगह पर अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर चेन उसे उस फॉर्मेशन को उठाकर दिखाता है कि यही वो चीज़ है। अब जुआन आगे बढ़ती है और उसे देखने लगती है, लेकिन जब उसे ध्यान से देखती है तो उसके एक्सप्रेशन पूरी तरह से चेंज हो जाते हैं। वो कहती है कि ये तो सैन लोगों की डेथ सील है, क्या तुम सच में इसे चुन रहे हो? ये कितनी ज्यादा डेंजरस है तुम्हें पता भी है, और वैसे भी तुम तो जानते होगे ये तुम्हारे किसी काम नहीं आएगी। अब इस चीज पर चेन कहता है कि मैं सब बात जानता हूँ, पर साथ ही मैं ये भी जानता हूँ कि इससे परफॉर्म करने के लिए बहुत ज्यादा पावर चाहिए, और पिछले जो 2 मास्टर से कल्टीवेट नहीं कर पाए थे उनके पास इतनी स्पिरिचुअल पावर थी ही नहीं, लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि मैं इसे कल्टीवेट कर लूंगा। अब इस चीज पर जुआन कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, तुम्हारी सीनियर होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं तुम्हें इस तरह की चीजों से बचाऊं। तुम्हें नहीं पता कि ये कितने ज्यादा खतरनाक है, तुम इसे कल्टीवेट भी नहीं कर पाओगे क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है और इस तरह से सिर्फ तुम्हारा समय बर्बाद होगा। और असली डर तो मुझे इस बात का है कि इस सील की पावर को तुम नहीं संभाल सकती। मगर अब यहाँ पर चेन उससे रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज इसे रख लो, मैं बिल्कुल संभल कर कल्टीवेट कर लूंगा। पर अब तभी वहाँ पर वो लड़की आ जाती है जिसे हमने पिछले पार्ट के अंदर लियु यांग के भाई के साथ देखा था। यहाँ पर आकर ये कहती है कि अरे चेन, तुम यहाँ? और फिर वो आगे बढ़ती है और जुआन से कहने लगती है कि अरे तुम भी यहाँ ऊपर हो। अब चेन उससे हेलो करता है, हमें उसका नाम पता चलता है कि उसका नाम होंगलिंग है और असल में ये भी चेन की सीनियर ही है। अब वो चेन से कहती है कि तुम जरूर यहाँ पर किसी तरह के स्पिरिचुअल टूल या फिर किसी फॉर्मेशन स्क्रिप्चर को ढूंढने के लिए आए होंगे, तो क्या तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए? क्योंकि मुझे इन सब की अच्छी नॉलेज है। अब इस चीज पर जुआन तुरंत ही कह पड़ती है कि नहीं, मैंने इसे ऑलरेडी अच्छी चीज ढूंढ दी है, इसीलिए अब हमें तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए और अब हम यहाँ से जा रहे हैं। अब ये चीज सुनते ही होंगलिंग चेन से पूछती है कि क्या सच में तुम्हें मेरी हेल्प नहीं चाहिए? जिस पर चेन कहता है कि हमने ऑलरेडी वो चीज ढूंढ ली है, अगर हमें वो नहीं मिलती तो हम आपको जरूर कहते। अब इस चीज पर होंगलिंग कहती है कि ठीक है, तो मैं तुम दोनों को परेशान नहीं करूंगी। और इसके बाद अब वो वहां से चली जाती है। अब यहाँ पर उसके जाने के बाद जुआन चेन से कह रही थी कि ये बहुत घटिया है, बिल्कुल इसकी मदर की तरह। लियु यू मतलब लियु यांग का वो बड़ा भाई बहुत पावरफुल है और बड़ी फैमिली से बिलोंग करता है, इस कारण से ये उससे दोस्ती करे हुए हैं और अब ये तो चेन तुमसे भी दोस्ती करना चाहती है। यहाँ पर चेन कहता है कि नहीं, तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो। वैसे इसके बाद चेन उससे पूछता है कि क्या अब तुम उस सील को बाय करोगी? तो इस चीज पर जुआन कहती है कि ये बहुत खतरनाक है और मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं, लेकिन मैं अगर इसे बाय करती भी हूँ तो मैं तुम्हें अकेले कल्टीवेशन नहीं करने दूंगी, मुझे तुम पर नजर रखनी होगी। अब इस चीज पर चेन कहता है कि हाँ, मुझे ये चीज मंजूर है। तो इसके बाद अब जुआन कहती है कि तुम्हें कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि अब करीबन आधा महीना बचा है कॉम्पिटिशन स्टार्ट होने के लिए। अब इस चीज में चेन पूछता है कि कौन सा कॉम्पिटिशन? तो जुआन बताती है कि स्प्रिट बेस्ड कॉम्पिटिशन। अब इस चीज से चेन थोड़ा शॉक था, वो कहता है कि क्या तुमने उसमें मेरा नाम दे दिया है? तो इस पर जुआन कहती है कि बिल्कुल, अगर हमें स्ट्रांग बनना है तो हमें कंपटीशन में पार्टिसिपेट तो करना होगा और उस चीज की बेसिक जानकारी मैंने ऑलरेडी ले ली है। मुझे पता है कि सभी को ग्रुप बनाकर किसी एरिया में भेजा जाएगा जहाँ पर बहुत सारे स्प्रिट बेस्ड होंगे और जो भी ग्रुप सबसे ज्यादा स्प्रिट बेस्ड मारेगा उसे विनर घोषित कर दिया जाता है और जो टॉप 3 ग्रुप होंगे उन्हें लियु लिंग बिल दी जाएगी।
अब ये चीज सुनकर चेन फिर से थोड़ा सा शॉक हो गया था। वो कहता है कि कहीं ये पिल वही तो नहीं जिससे कल्टीवेट करने के बाद कल्टीवेटर स्पिरिचुअल रियलम के लास्ट स्टेज पर पहुंच जाता है। तो इस पर जुआन कहती है कि हाँ तुम्हें अच्छी नॉलेज है, लेकिन मैं सिर्फ उस पिल के लिए उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रही हूँ, बल्कि असली कॉम्पिटिशन उसके बाद होने वाला है। इसीलिए हमें और स्ट्रांग बनना होगा और स्पिरिट बेस से फाइट करना हमें बहुत स्ट्रांग बना सकता है। साथ ही जीतने पर वो पिल तो हमें मिल ही जाएगी। अब चेन कहता है कि तुम बिल्कुल चिंता मत करो, वो कॉम्पिटिशन तो हम ही जीतेंगे। अब जुआन कहती है कि बिल्कुल, और साथ ही अब जुआन से वहाँ बाहर इंतजार करने को कह देती है, जिसके बाद चेन बाहर चला जाता है और इंतजार करता है। अब कुछ ही देर बाद वहाँ पर जुआन आती है और चेन उसके हाथ में वही सील देखता है और कहता है कि फाइनली तुमने इसे बाइक कर ही लिया। और अब वो सील मांग रहा था, जिस पर जुआन कहती है कि नहीं, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम छिप कर उसे कल्टीवेट करने की कोशिश करोगी, इसीलिए इसे मैं अपने पास ही रखूंगी और जब भी तुम्हें कल्टीवेशन करनी हो बता देना, जिससे कि मैं तुम पर नजर रख पाऊँ। अब यहाँ इसे कल्टीवेशन तो अभी से स्टार्ट करनी ही थी, तो इसलिए जुआन सोच रही थी कि कौन सी जगह कल्टीवेशन के लिए सबसे सही होगी। अब उसे कोई ऐसी जगह ढूंढनी थी जहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी भी ज्यादा हो और वो जगह सेफ भी हो। तो अब उसे एक जगह याद आती है और फिर वो चेन को वहीं पर ले जाने लगती है। अब उस जगह पर पहुंचने ही चेन यहाँ पर दूर से ही देख रहा था कि वहाँ बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी है और ज्यादातर हाई लेवल कल्टिवेटर ने यहीं पर आकर प्रैक्टिस करना पसंद करते हैं। यहाँ पर आने के बाद जुआन चेन को बताती है कि ये जगह सिर्फ कल्टिवेशन के लिए ही यूज की जाती है। यहाँ पर 5 कोर्टयार्ड के मास्टर्स इस जगह को क्रिएट किया है। यहाँ पर एनर्जी इतनी ज्यादा है कि फिर भी ये एनर्जी बॉडी को नुकसान नहीं पहुँचाती है। ये तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर बढ़ाने में भी हेल्प करती है और उस सील को कल्टिवेट कर उसे अनलॉक करने में भी ये तुम्हारी हेल्प करेगी। वैसे इसके बाद वो ये भी कहती है कि हम यहाँ बाहर कल्टिवेशन नहीं करेंगे, हमें कोल्ड प्लेस पर जाना होगा क्योंकि वहाँ पर कल्टिवेशन की स्पीड और एनर्जी दोनों ही बहुत ज्यादा होती है और वहाँ पर तुम फास्ट कल्टिवेशन भी कर पाओगे। तो इसके बाद वो जगह पर पहुँच जाते हैं। हम देखते हैं कि कई सारे स्टूडेंट पहले ही वहाँ पर कल्टिवेशन कर रहे हैं और यहाँ पर आने के बाद जुआन एक स्टूडेंट से कहती है कि अरे तुम यहाँ पर, तुम तो यहाँ पर बहुत कम आते हो, वैसे आज का दिन बहुत अच्छा है, तुम बेस्ट हंटिंग पर क्यों नहीं जाती। इस चीज पर वो लड़का कहता है कि क्या तुम उसे मजाक कर रही हो, मैं तो पावरफुल भी नहीं हूँ कि हंटिंग पर जा सकूं। वैसे हम वहाँ पर और भी स्टूडेंट को देखते हैं जिनमें से एक कह रहा था कि आखिर ये लड़का कौन है और ये जुआन कितने पास क्यों है। इसके बाद अब जुआन अपने आप बताती है कि ये चेन है और इसने ही लियू यांग को हराया था। अब वो लड़का कहता है कि अच्छा तो तुम ही वो लड़के हो। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर चेन बैठ चुका था और साथ ही जुआन भी बैठ चुकी थी। अब चेन कल्टिवेशन के लिए वो सील मांगता है और जुआन से वो दे देती है, पर वो कहती है कि अगर मुझे कुछ भी गड़बड़ महसूस होती है तो मैं तुरंत ही तुम्हारे कल्टिवेशन को बीच में ही रुकवा दूंगी। इस पर चेन भी हाँ करता है और उस सील को हाथों के बीच में रखकर कल्टिवेट करना स्टार्ट कर देता है। अब उसके अंदर से कुछ डार्क एनर्जी निकलते हुए दिखती है, जिसे देखते ही चेन अपनी आंखें खोलता है और उसे जुआन को देते हुए कहता है कि जैसा कि हमने सोचा था ये सच में बहुत ज्यादा खतरनाक है। वैसे अगले पार्ट में इसका ज्यादा मजा आने वाला है और अगला पार्ट हम जल्द से जल्द अपलोड करने की कोशिश करेंगे। बस आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। अब हम मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस एंड टेक केयर।